मंगलवार को नगर निगम की हाउस मीटिंग में डड्डू माजरा में डंपिंग ग्राउंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में तीखी बहस हुई। हंगामा इस कदर बढ़ गया, आम आदमी पार्टी और भाजपा नेता पर्सनल अटैक पर आ गए। आप पार्षद जसबीर सिंह लाडी ने सांसद किरण खेर पर गाली देने का आरोप लगाया। सांसद ने दाढ़ी खींच लेने जैसी बात भी कही। मेरे तीन सवाल थे कि आज तक जो आपने चंडीगढ़ में डब्बी करोड़ में पैसा लगाया है, चाहे एकड़ में लगाया, चाहे 500 करोड़ लगाया, चाहे 1000 करोड़ लगाया, उसका हिसाब हमें पार्षदों को दे दो। हमें चंडीगढ़ के 12 लाख लोगों ने चुन के यहाँ बिठाया, उसका हमें आंसर दो। अब तक के पहले तुमने क्या किया है? हम न्यू प्लांट के खिलाफ नहीं है, पर वो प्लांट तब लगेगा, पहले पिछला हिसाब दो। और जनता का जितना तुम टैक्स लेते आ रहे हो उसका जवाब दो, जनता के लिए तुमने क्या किया है? ये मेरे दो सवाल थे। उस पर मैडम ने आके मेरे को गाली निकाली है, कहने खैर मेरी सीट पे आके और बोला तू कहाँ रहता है, मैं फायदा में कह तेरा फायदा नहीं होगा, तू देख रही मैं क्या करूँगी। उसने ये भी बोला मैं बैंड की गाल निकाल, उसने बोला मैं तेरी दाढ़ी पटकर तोड़े बैठा दूंगी। वहीं भाजपा नेता का कहना है कि आप पार्षदों ने पहले गाली गलौज करना शुरू किया जो कि सदन की मर्यादा के खिलाफ है। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सुरक्षा कर्मियों ने किरण खेर को सदन से बाहर निकाला। जसबीर लाडी ने कहा कि भाजपा से विकास कार्यों को लेकर कुछ सवाल किए गए थे, इस बात से सांसद खेर नाराज हो गई और अब शब्द करने लगी। उन्होंने कहा कि हमें जनता ने चुनकर सदन में भेजा है, कुछ लोग मुंबई से आकर यहाँ हुक्म चलाते हैं जो कि गलत है, यहाँ रहें और जनता की परेशानियों का हल करें। आप नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब शब्द कहे। मैं तू मेरे लीडर बोलूंगी, मैं तेरे बोलूंगा, वो तो बात उन्हें मैंने गाड़ करनी शुरू की है मेरे सीट पे आके, ते मैं रिकॉर्ड भी कर रहा अपने कैमरे तो आम आदमी पार्टी के बंदे इतने आओ ये मुर्दाबाद के नारे लाओ दे मुँह से चंडीगढ़ न मैं कहता इन शर्म आनी चाहिए है बॉम्बे तो आके इतने राज कर रहे धक्का कर चंडीगढ़ के गरीबा लोगों तो हूँ आज ये गाला कट रही है उस उन बंद गाला कट रही है जिन्हें लोगों ने सानू इतने बिठाया। ये मैं गाल नहीं क्ढी, मेरे पूरे वार्ड में इन्हें गाल क्ढी है, ये पूरे 47 सेक्टर में पूरे पिंड में इन्हें गाल क्ढी है। जिसके बाद मेयर अनूप गुप्ता ने सभी आप पार्षदों को सस्पेंड कर सदन से बाहर निकाल दिया। इसके बाद आप पार्षदों ने सदन के बाहर भी प्रदर्शन किया। जो ये नगर निगम के हाउस में हुआ है ये बिल्कुल से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की मैच फिक्सिंग है पूरी। जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने एक प्लान करा हुआ था कि हम ऐसे शोर मचाएंगे और हमें आप बाहर निकाल देंगे ताकि आजेंडा हो जाए। जब भी कांग्रेस चाहती थी कि उसके ऊपर पूरी डिस्कशन होनी चाहिए थी, कांग्रेस चाहती थी कि एजेंडा कांग्रेस किसी प्लांट के खिलाफ नहीं है पर कहां लगना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, किस टेक्नोलॉजी का होना चाहिए, सारी डिस्कशन होनी चाहिए थी। एक बहुत अच्छा मौका था उसके अंदर डिस्कस करने का। पहले आम आदमी पार्टी ने मिलकर के साथ फिक्सिंग की और उनको जानबूझ के उन्होंने बाहर निकाला, उसके बाद एजेंडा के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कोई डिस्कशन नहीं की, जिससे साफ होता है कि दोनों मिले हुए हैं। और ये हमारे पार्षद आपको बताएंगे कि किस तरीके से आज हाउस के अंदर दोनों पार्टियों का बर्ताव था, पता चल रहा था कि दोनों कैसे मिलकर खेल रहे हैं, ये सब पता चल रहा था। आज आपने देखा होगा कि जैसे ही सदन की शुरुआत हुई है तो कांग्रेस पार्टी ये हमारे एजेंडा है आज का इसको लेकर के आगे पहुंची, लेकिन वही आम आदमी पार्टी के लोग तरुणा मेहता के नाम का मैटर लेके पहुंचे। उनके लिए तरुणा मेहता निवार वो ज्यादा जुड़े हैं, बाकी जो डंपिंग ग्राउंड के ऊपर लोग इतने सालों से दंश से खेल रहे हैं जो आगे 25 साल के लिए खेलेंगे वो मुद्दा जरूरी है। और हर बार आप देखिए जब भी 13 गाँव को प्रदेश करने का काम आया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।